नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया फायर न्यूज में। बड़ी खबर जुड़ी हुई है रफाल डील स्कैम से। जी हाँ, जिन रफाल विमान के ऊपर आज हम फख्र करते हैं कि हमारी आर्मी में ये मौजूद हैं, उन्हीं रफाल स्कैम को लेकर जहां विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए थे, कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें 7.5 मिलियन यूरोस का फर्जी बिल का एक बात सामने आई है। और इस पूरी चीज़ का खुलासा खुद फ्रांस की एक मीडिया कंपनी ने किया है। असल में भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन बाहर निकल आया है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने 36 एयरक्राफ्ट की डील के लिए एक बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरोस कमीशन दिया था। 7.5 मिलियन यूरोस, जी हाँ आपने सही सुना है, जो करीब करीब 65 करोड़ रुपए बैठते हैं। मीडिया पार्ट का कहना है कि इसके दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू नहीं की। मीडिया पार्ट ने खुलासा करते हुए ये दावा किया कि इसके लिए फर्जी बिल बनाए गए। पब्लिकेशन ने यह भी दावा किया है कि अक्टूबर 2018 से सीबीआई और ईडी को भी इस बारे में पता था कि दसॉ एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन दिया था। ये सब कंपनी ने इसलिए किया ताकि भारत के साथ 36 लड़ाकू विमान की डील पूरी हो सके। ये भी दावा किया गया है कि सुशेन गुप्ता ने दसॉ एविएशन के लिए इंटरमीडिएट के तौर पर काम किया। सुशेन गुप्ता की मॉरिशस स्थित कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को 2007 से 2012 के बीच दसॉ से 7.5 मिलियन यूरोस मिले थे। पब्लिकेशन ने खुलासा किया है कि मॉरिशस सरकार ने 11 अक्टूबर 2018 को इससे जुड़े दस्तावेज सीबीआई को भी सौंपे थे, जिसके बाद से सीबीआई ने ईडी से भी उन सबको साझा किया था। अब आप इस बात पर भी नजर डालिए कि मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि 4 अक्टूबर 2018 को ही सीबीआई को राफेल डील में भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिली थी और इसके एक हफ्ते बाद ही सीक्रेट कमीशन के दस्तावेज भी मिल गए थे। फिर भी आखिर सीबीआई ने इस मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? पब्लिकेशन ने खुलासा किया कि दसॉ ने 2001 में सुशेन गुप्ता को बिचौलिए के तौर पर हायर किया था, जब भारत सरकार ने लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि इसकी प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई थी। सुशेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड डील से भी जुड़ा हुआ था। ये भी खुलासा किया गया कि इस मामले में एक भारतीय आईटी कंपनी आईडीएस भी शामिल है। इस कंपनी ने 1 जून 2001 को इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया था, जिसमें तय हुआ कि दसॉ एविएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा, जो कंपनी सुशेन गुप्ता बिचौलिए की थी। आईडीएस के एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया था कि यह समझौता गुप्ता के वकील गौतम खेतान ने किया था, जो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के दायरे में है। सीबीआई के हाथ लगे दस्तावेजों से पता चला कि सुशेन गुप्ता की शेल कंपनी को इस तरह से 2002 से 2006 के बीच 9.14 लाख यूरो मिले थे। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज भी एक शेल कंपनी ही थी, जिसका ना तो कोई ऑफिस था और ना ही कोई कर्मचारी था। मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है कि ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक सुशेन गुप्ता ने कहा था कि कई भारतीय अधिकारियों को भी दसॉ की ओर से पैसा दिया गया है। ये भी दावा है कि 2015 में जब राफेल डील आखिरी दौर में थी, तब गुप्ता ने भारतीय रक्षा मंत्रालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज भी हासिल किए थे। तो आखिर अब ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि राफेल डील में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, कि आखिर इतने सारे सवाल इस पर क्यों खड़े हो रहे हैं और आखिर ये बिचौलिया सुशेन गुप्ता कहां से निकल कर आया है, जिसकी इतनी ऊपर तक बातचीत है, इसकी इतनी ऊपर तक पहुँच है कि रक्षा मंत्रालय से भी इसने कुछ गोपनीय दस्तावेज हासिल किए थे और इन सब में इसका 40% तक का कमीशन था, जो कुल मिलाकर करीब करीब 65 करोड़ रुपए बैठता है। अब आशा है सीबीआई इस पर कुछ कदम उठाए, क्योंकि अब तक तो सीबीआई ना ही ईडी ना ही भारत सरकार ने इस पर कुछ कदम उठाने की जहमत करी है। इस पर जांच हो, कोर्ट भी इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाए और आखिर सच का सच और सब चीज़ें सामने आ जाएं कि आखिर राफेल डील क्या हुआ था। राफेल डील में, अगर राफेल डील में सब सच्चाई थी तो सच्चाई ठीक, अगर उसमें कुछ स्कैम हुआ था तो आखिर वो स्कैम भी तो सामने आना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।